बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आएंगे। तो आज हम जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो चले स्टूडेंट देखते हैं पहला एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। तो इस एमसीक्यूज में हम देखना चाह रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, सच नंबर व्हेन यू ऐड इट टू एनी नंबर एंड आंसर रिमेन्स सेम। मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा नंबर देखना है जिसको किसी भी नंबर से जब हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारा आंसर नहीं बदलता, वही आंसर आता है। ये एग्जाम्पल चेक कीजिए, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 + 0 इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है, इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 0 एक ऐसा नंबर है कि जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही आ रहा है। तो लिहाजा ऑप्शन में देखें 0 किधर है, ऑप्शन ए पे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर रियल नंबर ए इज। तो इस एमसीक्यूज को हल करने से पहले हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। सच नंबर व्हेन इट इज एडिड टू एनी नंबर एंड आंसर बी एन आइडेंटिटी नंबर। ऐसा नंबर हमें देखना है जब हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आए, यानी के 0। तो ये देखें, 2 है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -2 है, इसकी निशानी क्या है कि इससे आंसर 0 आ रहा है। 3 है, उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -3 है, क्योंकि इससे जो आंसर आ रहा है वो 0। इसी तरह a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखें उसने हमें a का पूछा हुआ है कि a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो a का जारी बात है -a होगा, जिससे आंसर 0 आएगा, तो ये c इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है कि जमा करने से आंसर ना बदले, इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है कि मल्टीप्लाई करने से आंसर ना बदले। ये देखें, सच नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर एंड आंसर रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, 4 × 1 इज इक्वल टू 4, सिमिलरली -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, आंसर आ रहा है -5, बी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है बी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि इसमें 1 एक ऐसा नंबर हमें मिल रहा है जिससे आंसर मल्टीप्लाई करने से वही आ रहा है। अब देखेंगे हम ऑप्शन में 1 किधर है, जी ए पे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर ए इज। ए का हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढना है, यानी कि ए को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आए। तो देखते हैं जी कि अगर हम ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है 1। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल आप देखें, तो 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि ए का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है हमारे पास, वो हमारे पास है 1/a। क्यों? क्योंकि जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं a और 1/a को, तो हमारा आंसर आता है 1, जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इन सेट ऑफ रियल नंबर इज। अच्छा जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पहले याद करें क्या था। ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है, आइडेंटिटी, जो कि था 1। अच्छा स्टूडेंट, जरा गौर करें, आप 0 को करें हैं किसी से नंबर से मल्टीप्लाई, क्या आंसर 1 आता है? कभी नहीं होगा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की जो निशानी है कि आंसर क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, सोचें जरा। यस, इस स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, 1। तो 1 आ नहीं रहा हमारे पास, ऐसा कोई हमारे पास ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आए, 1। तो इसका मतलब देखिए, क्या ऑप्शन ए दुरुस्त है? नहीं। बी दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ये भी नहीं है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, हम नहीं इसको हल कर पा रहे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।